दुर्ग पुलिस ने आपापुरा क्षेत्र में अवैध रूप से चांदी का व्यापार करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से भारी मात्रा में चांदी बरामद किया गया है। दुर्ग के कोतवाली थाने के पीछे स्थित आपापुरा वार्ड में दुर्ग पुलिस ने बिहार के प्रकाश सिंह के पास 127 किलो चांदी का सामान बरामद किया, जिसमें 4 किलो चांदी के बिस्किट भी शामिल हैं। इस मामले में पुलिस ने पूछताछ में बताया कि वेस्ट बंगाल से सत्तू सिंह नाम के व्यापारी से माल लाकर दुर्ग बेचा जा रहा था। जब पुलिस ने दस्तावेज की मांग की तो उसके पास कोई दस्तावेज नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने 102 के तहत 127 किलो चांदी जब्त कर GST और इनकम टैक्स के अधिकारियों को सूचना दी। इस मामले में पकड़ाए 4 लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच की जा रही है। ये सूचना मिला था, मुंबई से सूचना मिली थी कि एक यहाँ आपापुरा करके एक जगह है, जहाँ पर एक व्यक्ति प्रकाश नाम का एक आदमी रुका हुआ है और वहाँ पर मैं रहकर जो है वो कहीं बाहर से चांदी मंगाता है और उसको बेचता है करके, उसके पास में कोई दस्तावेज नहीं है करके। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिया गया, तो वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर जाकर वहाँ पर रेड कार्रवाई की गई। रेड कार्रवाई करने के पश्चात में वहाँ पर लगभग अभी हम लोगों को 127 किलो के लगभग आसपास में चांदी बरामद हुआ है और आगे इसके भी जाँच की जा रही है। 102 में उसको जब्ती की है, माननीय न्यायालय की समक्ष पेश कर रहे हैं और इस संबंध में इनकम टैक्स और GST को भी अवगत करा रहे हैं। आपापुरा से मिला ये और वहाँ पर मैं किराए के मकान में 10 सालों से रह रहा है और रहने वाला बेसिकली ये बिहार का है, लेकिन वेस्ट बंगाल में एक सप्पू सिंह नाम का कोई आदमी है, उसके पास से ला कर ये सामान यहाँ पर मैं बेचता है। व्यापारी आए थे इसके संबंध में कि उनके पास में कोई दस्तावेज होगा तो हम ला कर प्रस्तुत करेंगे करके। इस संबंध में हम लोग बोले कि हम इसको अभी तो 102 में जब्ती कर रहे हैं, न्यायालय में पेश करेंगे करके, आप वहाँ पर मैं दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे पहले वो बोल रहे हैं कि हम इससे पहले भी मैं ला ला कर सामान बेचता था करके यहाँ पर कुछ व्यापारियों से, क्योंकि उसका कहना यह है कि सर मैं पहले चालान लेकर आता था, चालान के माध्यम से पहले सैंपल ला कर दिखाता था यहाँ पर मैं व्यापारियों को, उसके बाद में फिर आगे के अगर किसी को ऑर्डर पसंद आता था तो वो फिर मंगाते थे और फिर पक्का भी उनको देते थे करके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।